हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ दीपशेष मौर्या। आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल दीपशेष मौर्या। ठीक स्टूडेंट, आज का टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हम आज पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस को। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस को, ठीक है स्टूडेंट, जो कि सेकेंड पार्ट है। ठीक, तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट है आपका एट पार्ट, टेंस का एट पार्ट है, मतलब एट वाला वीडियो। ठीक, और हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहला वीडियो हो चुका था, ये सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है। ठीक, तो इसका कौन सा हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है, नकारात्मक वाक्य। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम आइए पढ़ लेते हैं। इसमें इसको पढ़ने से पहले हम आपको कुछ चीजें बता दें। जैसे इस टेंस में जो हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, इसमें कार्य का करना या होना जारी पाया जाता है। ठीक, तो इसमें हमने अफर्मेटिव पढ़ लिया था, अब इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, जिसमें बातों को नकारा जाएगा, जो बातें एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी, इसके द्वारा कर्ता के द्वारा। ठीक है, वो कार्य को जो करेगा एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसमें क्या करेगा, वो नकारेगा, मना करेगा, वो कार्य को करता नहीं है। ठीक, तो इसी के ऊपर ये वीडियो है, ध्यान से आप देखिए और इस टेंस के इस पार्ट को, सेकंड पार्ट को समझ लीजिए। ठीक, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसका फार्मूला जो होता है स्टूडेंट, पहले सबसे क्या लिखते हैं, ट्रांसलेशन करते समय, हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते समय इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं, और सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात की जाती है। ठीक, जिसके द्वारा कार्य होता है वही क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक, इसके बाद क्या लिखेंगे, इज, आई एम या आर, ये किस पे डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट पे। अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज लिखा जाएगा, आई एम लिखा जाएगा, और आर, ये किस पे डिपेंड करता है स्टूडेंट, सब्जेक्ट पे। ठीक, इसके बाद क्या लिखेंगे, हम नॉट लगाएंगे, क्योंकि हम किस क्या कौन सा सेंटेंस पढ़ रहे हैं, निगेटिव सेंटेंस। ठीक, और इसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। क्यों आईएनजी फॉर्म लिखेंगे सर जी, बता दीजिए। इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, और इसमें क्या वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, आईएनजी फॉर्म लगती है। ठीक, ये बात ध्यान दीजिए आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, राकेश नहीं पढ़ रहा है, राकेश नहीं पढ़ रहा है। ठीक, इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, राकेश का राकेश, अब यहाँ नाम आया इसलिए क्या लगेगा, स्टूडेंट इज लगेगा। ठीक, इज लगेगा, अब ध्यान दीजिए इसके बाद क्या लगता है, नॉट, जैसा कि हमने फार्मूले में लिखा है। देखिए ध्यान से, फार्मूले से अब क्या लिख देंगे हम, नॉट, नॉट मतलब नहीं, पढ़ रहा है, पढ़ रहा की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, रीडिंग, रीड मतलब पढ़ना, उसी की आई एन जी फॉर्म लग जाएगी, उसी में आई एन जी जोड़ दिया जाएगा, क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा, राकेश इज नॉट रीडिंग। ठीक है, अगला वाक्य है स्टूडेंट, गीता नहीं सो रही है, गीता नहीं सो रही है। ठीक, इसका ट्रांसलेशन करेंगे, गीता इज नॉट स्लीपिंग। ठीक, गीता इज नॉट स्लीपिंग। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वाक्य है तीसरा वाक्य, बच्चे नहीं खेल रहे हैं, बच्चे नहीं खेल रहे हैं। इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे तो हो जाएगा, द चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग, द चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग। अब यहाँ भी नॉट लगेगा, नहीं खेल रहे, इसलिए क्या लगा, नॉट, और खेलेंगे अंग्रेजी प्ले, इसमें आई एन जी जुड़ जाएगा, हो जाएगा प्लेइंग। ठीक है स्टूडेंट, वाक्य नंबर फोर हम देख लेते हैं, फोर एग्जाम्पल क्या है, वह सोमवार को नहीं आ रही है, वह सोमवार को नहीं आ रही है। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शी इज नॉट कमिंग ऑन मंडे, शी इज नॉट, अब देखो यहाँ नहीं आया है ना, इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, नॉट, शी इज नॉट कमिंग ऑन मंडे। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट वाक्य है फाइव वाक्य, मैं नहीं हंस रहा हूँ, ठीक, मैं नहीं हंस रहा हूँ, इसकी अंग्रेजी का ट्रांसलेशन करेंगे हो जाएगा, आई, आई के साथ क्या लिखते हैं, आई एम, हमेशा लगता है क्या, आई एम। ठीक है, तो हो जाएगा आई एम नॉट लाफिंग। ठीक, लाफ मतलब हंसना, इसमें आई एन जी जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा,
लाफिंग। ठीक है स्टूडेंट, अभी ये दो आपके मैं आपको दे रहा हूँ, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका ट्रांसलेशन लिख दीजिएगा। ठीक, ये दो वाक्य आपके लिए है। पहला वाक्य है मैं नहीं दौड़ रहा हूँ। पहला वाक्य है मैं नहीं दौड़ रहा हूँ। और अगला वाक्य है बिल्ली दूध नहीं पी रही है। बिल्ली दूध नहीं पी रही है। ठीक है स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को देखिए और इसके कमेंट बॉक्स में जाकर ये दोनों वाक्यों का ट्रांसलेशन कर दीजिए। अगर चैनल पे आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं टेंस को एक स्टेप बाय स्टेप से पढ़ा रहा हूँ। एक एक वीडियो एक पार्ट के बाद अगला पार्ट ला रहा हूँ। तो आपको अगर टेंस सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ध्यान से देखो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।